अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूँ फहद शहबाज खान। और इस वक्त हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये मिनी पेट्रोल पंप्स जो हैं बादामी बाग में, इनकी बहुत बड़ी तादाद है और ये खतरे हैं, जान के लिए खतरे हैं। यहाँ इन्होंने बड़े तुकबंदी के साथ मसले ख़राब किए होते हैं। इसके अंदर की कंडीशन दिखाएं तो एक टैंक इन्होंने प्लास्टिक के साथ रखा होता है जिसमें पेट्रोल को तकरीबन 5000 लीटर तक पेट्रोल इन्होंने सेव रखा होता है। और हल्की सी इधर अगर आतिशदगी हो गई तो ये पूरी की पूरी मार्केट जो है एक सेकंड में जल कर खाकिस्तर हो जाएगी। एसीसीटी हमारे साथ मौजूद हैं, सफदर विरक साहब, और सिविल डिफेंस के ऑफिसर भी हमारे साथ मौजूद हैं। खाली साहब, इनसे बात करते हैं। एसी साहब, सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक यू। ये कितना बड़ा खतरा है, कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है? ये देखिए, कहीं भी पेट्रोल पंप जो लगते हैं तो उससे पहले उसके 8-9 किस्म के एनओसीज होते हैं। एनवायरनमेंट का होता है, सराउंडिंग का होता है, एरिया के में मतलब पॉपुलेशन का होता है कि वहाँ उसके सराउंडिंग में आबादी तो नहीं है। ये इस तरह के जो लगे हुए हैं सारे इलीगल पॉइंट्स जो हैं उसके अगेंस्ट हमने एक स्पेशल कैंपेन शुरू की है जिसमें सिविल डिफेंस हमारे साथ है, इंडस्ट्रीज वाले हमारे साथ हैं। तो ये खतरा इसलिए है कि यहाँ किसी को कोई नहीं पता कि कितना पेट्रोल या डीजल या कुछ चीज़ इन्होंने रखी हुई है। इनफ्लेमेबल एक बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ है, तो कोई भी छोटी सी साथ को वर्कशॉप है, वेल्डिंग वाला है, उसकी छोटी सी एक कोताही की वजह से यहाँ ब्लास्ट हो सकता है, इतने बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट हम लोग ये कंपेन करते हैं। छोटी सी कोताही काफ़ी है जी जिंदगी जाने के लिए, एक गलती इंसान की जिंदगी उससे छीन लेती है। कारी आलम शेर साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से? मिजाज ठीक है? कारी साहब, मुझे ये बताइए कि ये कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है और आपकी टीमें तो तवातर से ये करती रहती हैं और ये बहुत बड़े पैमाने पे लाहौर में है। सर, ये बहुत ख़तरनाक है और गैर कानूनी बिजनेस है। इसके खिलाफ हमने काफ़ी जो है वो काम किया है, कोई 50 के करीब हमने चालान भी किए हैं और FIR भी किए 20। हर एक टाउन में जो इंस्पेक्टर हमारे हैं वो ये काम कर रहे हैं और ये इतना खतरनाक है कि मामूली से भी कुताही के पैमाना भी चेक करेंगे जी। पैमाना चेक करेंगे? पैमाना चेक करवाएं बेटा, मैं जरा कारी साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। बेटा पैमाना जरा चेक करवाएं। अगर ये पैमाना है जी, इससे पता चलेगा कि ये पेट्रोल ठीक डालते हैं, पैमाने की क्या मसला है इनका और पैमाना ठीक है कि नहीं। और ये चेकिंग तो खैर सारे पेट्रोल पंप्स की भी होनी चाहिए कि पैमाना उनका, बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमारा कुछ लीटर्स का मसला है, कुछ लोग आगे पीछे करते हैं चीज़ों को। नहीं, तार आ जाए, ये कहाँ से आ रही है सेटिंग? सारी अंदर से आ रही है, अंदर से सूरत हाल भी दिखा दें। आ गया जी, दिखाएं जी। हाँ, कितना चेक करेंगे जी आप? ये आप देख रहे हैं जी, अभी चेक करवाया जा रहा है आपको कि ये इसकी जो क्वांटिटी ये देते हैं वो ठीक है या गलत। 40 या 50 ml कम होगा इसमें, ये कितना बताओ मुझे? 40 से 50 है ये, 35 ml जो है ना ये कम है, ये 35 ml कम दे रहे हैं। हाँ, ये कम दे रहे हैं ये, और इनका रेट भी ज्यादा होगा स्टूडेंट्स का। बेटा कितना रेट आएगा? 98 रुपये। 98? हाँ जी, हाँ जी, 98 से 92 है मेरे ख्याल से रेट इसका। 95 है कितना इस वक्त पेट्रोल? पेट्रोल 95 है जी, इनका रेट भी ज्यादा है। ये 98 पे दे रहे हैं और 30 कितना? 35 ml। हाँ जी, 35 ml ये कम है ये। ये और ये इलीगल सारा, और ये इलीगल भी है और इसके ऊपर हमारी सरकारी मोहर भी नहीं है क्योंकि ये ना पंप का जो इशू है ना, यानी कि 90 रूल के तहत हम इनको पास करते हैं, बकायदे इसकी चेकिंग होती है सब, लेकिन ये मशीनें हम बिल्कुल ही पास नहीं करते हैं, ये हमारे लॉ में है ही नहीं है। लेकिन इनको चेक करने का जो है ना वो हमारे पास ही है कि हमने इनको चेक करना है और इनको पास नहीं करना, और इनको अभी हम जो है ना वो सीट। आप अंदर आइए, आपको शुगल दिखाते हैं और हम इनको आएंगे मेरे साथ उठवाएंगे भी। आप देखें इंसानी सेहत के साथ और इंसानी जिंदगियों के साथ किस किस तरह से खिलवाड़ होता है, आपको दिखाते हैं। ये दिखाएं जी जरा, ये देखें आप इंसानी। बेटा ये पर्दा पकड़ के रखें, पर्दा पकड़ के रहिए। ये देखें जी, ये सबसे बड़ा शुगल है यहाँ का, सबसे बड़ा तमाशा ये लगा हुआ है कि आप देख सकते हैं कि टैंकर, और टैंकर भी सबसे नाकिस तरीन बिजली का निज़ाम यहाँ देखें, UPS का निज़ाम, हल्की सी आतिशदगी इस पूरी मार्केट को जो है वो लपेट में ले सकती है। और ये भरा होता है मोस्टली ये भरा होता है। ये देखें, इन्होंने खुद से मोटर लगा के वायरिंग्स करके सारा होम मेड काम करके और ये आपको पेट्रोल बेच रहे हैं जो आपको लाहौर में हर जगह दस्तयाब है। 1000 लीटर का ये टैंक है, ठीक है, और ये उसकी पेट्रोल की जो अपनी उसकी जो पावर होती है ना ताकत, उसने फैलना होता है। जब ये प्लास्टिक के ड्रम में पड़ेगा ना, ये फैलेगा ना, तो आपने सुना होगा पिछले दिनों में मेरे ख्याल से उकाड़े या साईवाल में ये एक ब्लास्ट भी हुआ है। बगैर आग का क्या है, पल दो पल में लग जाती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है, आग बुझ नहीं सकती, फिर हालात खराब हो जाएंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बढ़कर ये कि ये इलीगल जो इकदामात है
इन्हें खत्म करने के लिए आज एसी साहब हैं हमारे साथ, सिविल डिफेंस का हमला है और इंडस्ट्री के इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं जो ये देख रहे हैं। चेक आपने होता हुआ देखा और अभी इनके ट्रक्स आएंगे और इसको सील भी करेंगे और इसको उठाकर साथ ले जाएंगे और इसे जब्त कर लिया जाएगा, क्योंकि ये ऑथराइज नहीं है, ये इल्लीगल है और इल्लीगल के साथ सिक्योरिटी रिस्क है। ये बच्चे इधर छोटे छोटे जो पढ़ते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये बच्चे जो पढ़ते हैं यहाँ से गुजरते हैं, किसी की भी जान खतरे में हो सकती है और जान को बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो है वो क्लैरिटी के साथ रहें और क्लैरिटी ही जो है वो कानून की पासदारी की आपको करीब लेके जाएगी, हालात इससे बेहतरी की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हालात जो है वो ख़राब हो सकते हैं। अभी ये इसे सील करने लगे, सील करने लगे हैं जी। कैसे सील करेंगे आप, मशीन उठा लेते होते हैं? हाँ जी, नहीं नहीं, ये इसके इसके साथ ही इसको सील कर देंगे, इधर ही सील कर देंगे, मशीन उठाएंगे? नहीं, इधर भी मशीन उठाएंगे। हाँ। मशीन उठाएंगे आके मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन वाले, ठीक है, और हम इसको सील करेंगे। आप अभी लेटर लिखेंगे कॉर्पोरेशन को कि उठा लें? नहीं, अभी टीम आ रही है, अभी टीम आ रही है, एट द स्पॉट आ रही है, एट द स्पॉट। एसी साहब टीम पहुंच गई, उसकी भी पहुंच रही है जी, अभी वो भी पहुंच जाएगी। सील ये इसलिए कर रहे हैं ताकि फर्दर ये कुछ पे सेल ना कर सके या इसको बेच ना सके। ऐसा होता है, ये जो इसका है ना मैयर का अप एंड डाउन का, अगर ये हमारे बैग में से पास हुआ हो तो इंस्पेक्टर की मोर लगी होती है इसके ऊपर। हाँ, इसके ऊपर उसका बकायदा नंबर होता है, वायर से करते हैं, जो हमने नहीं किया हुआ। इसको सील करेंगे? हमने तो इसको सील करना है नोजल। ये वो गरारी है जो चल रही है? हाँ, ये है अप एंड डाउन वाली गरारी होती है, इसको हमने जो है फिक्स करना होता है, जो पंपों पर फिक्स करते हैं, लिहाजा इस पर हमारी मोर नहीं है, हमने इसको पास किया ही नहीं है, हमने इसको, ये इलीगल है ना, हम इलीगल को पास ही नहीं करते हैं, ये कहीं भी नहीं है कानून में कि हम इनको पास करें, नहीं करेंगे पास, हम इनको अभी सील लगाएंगे। और वो जो ड्रम पड़ा है वो कौन उठाएगा जी, ड्रम कौन उठाएगा अंदर पेट्रोल का? पेट्रोल गवर्नमेंट वाले मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन वाले उठाएंगे ना, वो कहते हैं हम ड्रम ड्रम नहीं उठाते, पहले भी हमारी बात हुई थी। तो फिर वही आए, कोई भी चीज ऐसी जो आम शहरियों के लिए खतरनाक है ना, वो उन्होंने ही करना है जो करना है, उठा के सेक्शन 138 का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अब भी मैं बता रहा हूँ, उसके तहत इसको उठाएंगे, लेके जाएंगे और इनको कार सरकार जो है ना वो उसको जब्त करना चाहिए, दोबारा देनी नहीं चाहिए। असल इशू ये है कि ये जो दोबारा इनको रिलीज कर देती है ना, वो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ऐसी साहब आप नहीं समझते कि बहुत सारे लोग भी गिला करते हैं कि बहुत सारे पेट्रोल पंप्स भी नापतोल में मसला करते हैं, तो आप पूरे शहर में ये दोबारा से चेक करें, रेगुलेटरी अथॉरिटी आपकी चेक करती रहे और चेक करें कि पेट्रोल में जिस तरह ये पैमाना फौरी आ गया और इस पैमाने से हमने चेक किया जी, और 35 ml जो पेट्रोल था वो कम दिया जा रहा है और 4 रुपये तकरीबन पेट्रोल इधर महंगा दिया जा रहा है और ऊपर से ये इलीगल है, तो इसका ये कुछ सिलसिला शुरू हो सकता है जी? एक तो ये कम्पेन हम जो कर रहे हैं इसमें इंशाल्लाह ये जितने भी लगे हुए हैं इन सबको रिमूव करने की एक पूरी एफर्ट है लाहौर से। दूसरा, ये जो पेट्रोल पंप्स की आपने बात की है, वहाँ जनरली इन लोगों की ड्यूटी है, टाउन वाइज हमने इंस्पेक्टर्स इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के तैनात किए हुए हैं, जैसे ये अभी इंस्पेक्टर साहब से आप बात कर रहे थे, ये तमाम पेट्रोल पंप्स का भी जो है इनकी मेजरमेंट करते रहते हैं, इनके जो पैमाने के साथ चेक करते रहते हैं, जहाँ कहीं को नजर आता है तो वहाँ उनका चलान भी करते हैं, उनके अगेंस्ट FIR इस्तगासा भी जमा करवाते हैं और सील भी करते हैं जी, अगर कहीं कोई ऐसी इसकी कमी पेशी नजर आती है। बिल्कुल सही है जी, अभी टीम आएगी जी, इसे सील कर दिया गया, ये आप देख सकते हैं, बड़ा क्लोजली आप जाएंगे तो ये एक इन्होंने इस पर सील लगा दी है, अब इसे यूज नहीं किया जा सकेगा और ये दुकान भी शट डाउन करके इसे सील करेंगे। अगर इन्होंने सील को तोड़ने की कोशिश की ना, तो इनके खिलाफ कार सरकार है किसका, मैं इनके खिलाफ पर्चा भी दूंगा। है किसका जी ये? अगर ये इसको छेड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, मैं इनके खिलाफ पर्चा भी दूंगा और इनके चलान भी भेजूंगा मैं, इसके जो है ना शहबाज अमर राणा साहब है। ये मशीनें अवेलेबल कैसे हैं, इधर पहुंच कैसे जाती हैं? क्यों जी? सर ये ऐसी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं कि जो अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये इलीगल काम है और लोग जो है ना वो ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, लगा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, गलत है, इनको पूछने वाला कोई नहीं ना है, लेकिन हमने नहीं इनको छोड़ना। इनलीगल काम को जो नजायज़ है और जो खतरे का सबब बनते हैं ना, उनको तो हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने और विद जो है ना वो कोलेशन इनकी होगी, ये जो सिविल डिफेंस वाले हैं, ठीक है, और साथ में एसीसीटी हमारे साथ मौजूद है, सिविल डिफेंस मौजूद है, इंडस्ट्री हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम तमाशा का सिलसिला जारी है, बहुत सारे मिनी पेट्रोल पंप्स आपकी जान के लिए, आपके लिए वबाले जान बने हुए हैं, इनके खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, आप हमारे साथ रहिए।